बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तमीनाज़ वर्ल्ड। आज हमारे किचन में बड़े ज़बरदस्त सैंडविचेस बन चुके हैं और आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा ये किन के पसंदीदा हैं। जी, ये यहीं पे मौजूद हैं, लेने आ गए हैं ना, लंदन से लेने आए हैं स्पेशली। अच्छा, वो कह रही मैं सामने नहीं आ सकता, तैयार नहीं हुए। अच्छा, कोई बात नहीं, कैमरे पर आंधी रही, मैं इनको दे दूँ। ये लीजिए। ठीक है, खुश हैं आप? अच्छा जी, चलिए मैं ज़रा लोगों को रेसिपी बता दूं। तो चलिए जी, बगैर टाइम जाए के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीपल, सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम है। ऑयल को गर्म करके 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लीजिए और इसको 40 सेकेंड तक के लिए पका लें ताकि ज़रा खुशबुएँ आना शुरू हो जाएँ। अच्छा जी, अब एक प्याली ले लिया है मैंने चिकन मिंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी शामिल कर लीजिए। और मीडियम अब मैंने फ्लेम कर ली है, इसको इतनी देर तक फ्राई करें जब तक ये अपना रंग नहीं बदल लेता। सो पीपल, चिकन अपना रंग बदल लिया है, जैसे रिश्तेदार काम आने पे बदल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्पाइसेस शामिल कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1/3 टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 टी स्पून जाएगी चिली फ्लैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टी स्पून जाएगी इसमें काली मिर्चें। ठीक है जी, और तंदूरी मसाला जाएगा 1/3 टी स्पून। और इसके साथ मैं शामिल करने जा रही हूँ 1/3 टी स्पून वाइट पेपर। अच्छा जी, स्पाइसेस आप देख रहे होंगे मैं बता कुछ रही हूँ, दाल ज़्यादा रही हूँ, तो जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसको ज़्यादा स्पाइस पसंद है, इसलिए आप इसको वीडियो को फॉलो ना करें, जो मैं बता रही हूँ ना उसको फॉलो करें ताकि आप मिर्चें नहीं लगें। और पीपल, अभी इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये गल जाए। सो पीपल, 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाता है। और खुल जा सिम सिम, ओह माय गुडनेस, इस कदर ज़बरदस्त खुशबू आई है सीरियसली कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी खुशबू आ रही है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। तो अब मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें एक प्याली शामिल करने जा रही हूँ बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप करके, ये भी शामिल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एज़ रिक्वायर्ड चीज़ है ये क्रश की हुई। ठीक है, आप एक प्याली कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसको साइड पे कर दीजिए। एक मैंने ब्रेड ले ली है, उसका स्लाइस आप चाहें तो जो रेगुलर यूज़ किया जाता है वो ले लीजिए। मेरे पास ब्राउन ब्रेड मौजूद थी तो मैं वो वाला ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके ऊपर मायोनीज अप्लाई कर दीजिए। एक लेयर जो बैटर है वो लगा लीजिए, ऊपर एक और स्लाइस रख लीजिए आप ब्रेड का, ये चीज़। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर दोबारा से मायोनीज लगाएंगे और बैटर, और इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। ठीक है जी, अब मैंने ले लिया है एक ग्रिल पैन, इसको ज़रा मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा आप दे सकते हैं बटर है, इसको अच्छी तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है। देसी घी ले लीजिए, बटर ले लीजिए। ठीक है जी, ये अब गर्म हो चुका है लो फ्लेम में। अब जनाब, ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर रख दीजिए और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, नहीं 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को पका लीजिए। और ये देखिए, 2-3 मिनट होने के बाद ये इसको मैं फ्लिप करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट दिस, इसका आप कलर देखिए सर, ओफ मेरे खुदाया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा जी, अब मज़ीद 2 से 3 मिनट के बाद दूसरी वाली साइड भी पक चुकी है। अब इसको दरमियान से मैं कट करके यूं गई और बस मैं यूं आई। सो वी लुक एट दिस, ये देखिए मैंने काट लिया है और अंदर से देखिए कितना मज़े का है, बाहर से क्रिस्पी है। और अब इसको, एक सेकेंड, अभी पिक्चर बाकी है, अभी एक काम ख़त्म नहीं हुआ। इसको दोबारा से मैं ग्रिल पैन के ऊपर रख रही हूँ। थोड़ी सी चीज़ मज़ीद इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो सिंपल पैन ले लीजिए। तो ये देखिए, 1-2 मिनट के बाद लुक एट दिस चीज़ी सैंडविच, इसको आप चीज़ी सैंडविच कह लीजिए, चिकन सैंडविच कह लीजिए, सब्ज़ी वाला कह लीजिए क्योंकि सब्ज़ियाँ भी हैं, या फिर तहमीनाज़ वर्ल्ड की कोई नई इजाद कह लीजिए। तो आप ऐसा करिए मेरी रेसिपी को, ये देखिए कितना चीज़ी है, लुक एट दिस, ओह माय गुडनेस। इसे अपनी खाला, पुप्पो, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।